आज है भैया दूज की सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी हूँ। 8:30 बज रहे हैं करीब, जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले दीदी के पास जाऊंगा, मुन्नू से दोनों बच्चों का जो है वो हाथ पूजवाना होता है। हमारे यहाँ हाथ पूजते हैं मिथिला में, और इसके अलावा टीका भी लगाते हैं। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपनी छोटी बहन के यहाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे। त्योहारी सीजन बहुत ज्यादा थकावट वाला होगा, सभी थोड़ा बहुत आराम भी कर रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा हर चीज में। नाते रिश्तेदारी का आना जाना, फ्रेंड्स का आना जाना लगा होगा, और यही सारी चीजें जो है वो लाइफ को थोड़ा सा खुशनुमा बनाती हैं, थोड़ा सा जीवंत बनाती हैं, है ना? क्योंकि फिर जीना तो होता ही है किसी भी तरीके से। तो जाते हैं दीदी के यहाँ, मिलते हैं, जिस तरह से पूजा होती है वो सारी सारी विधियां दिखाएंगे, और उसके बाद फिर अनु के यहाँ आ चुका हूँ मैं दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ आके फिर मैंने देखा कि भाई गोलू की जो है वो हाथ पूजाई हो गई है, यानी गोलू को टीका लग गया है, और अब जो है वो बच्चों को टीका लगने जा रहा है। सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करता हूँ और सारी चीजें एडिट करके डालता हूँ आपके पास। ये मेरी प्यारी बहन देखी कितनी सुंदर तैयार हुई है रेड में। लेकिन इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो मैंने राखी में सूट दिया था ना, वो सूट सिलाया नहीं है। हाँ, वो सूट नहीं सिलाया है अभी तक, है ना? हाँ, सिलाया। लेकिन ये भी कितना प्यारा सूट लग रहा है। अब मैं गाउन तो नहाती जा रही हूँ, तो ऐसा ही पहन रही हूँ। थोड़ा मेडिसिन ऐसी चल रही है कि थोड़ा वेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ढीले ढीले कपड़े दीदी पहन रही है। सूट सिला अपने उसमें अपने स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यारी प्यारी बहना भाइयों की यहाँ पे टीका लगा रही है। हमारे यहाँ मिथिला में क्या होता है कि हाथ पूजा जाता है, हाथों को माना जाता है लक्ष्मी। हाँ, बिहार में, पूरे बिहार में ही दरअसल ऐसा होता है कि हाथों को लक्ष्मी माना जाता है, और बहनें जो है वो हाथों को पूजती है ताकि भाइयों के जो है वो भंडार भरे रहें, और भाई जो है निर्विघ्न अपनी जिंदगी जो है वो जी पाए, है ना? अपना सारी जिंदगी जो है भाई बहन का साथ बना रहे, है ना? एक इस तरह से भी जुड़ाव होता है। मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें होंगी, इतना हमें अज्ञानतावश इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है इस त्योहार का। इसके अलावा यमुना जी ने वरदान दे रखा है कि बहनों से जो हाथ पुजवाएगा, जो टीका लगाएगा, जो उनके घर खाना खाएगा, यमराज जी ने वरदान दिया हुआ है यमुना को, उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। तो यानी आपको मृत्यु के भय से भी बचाव होगा। इस हिसाब से तो इन सबको मिल ही रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो आपका ही घर है ना। अगले साल से नहीं, नहीं, हमेशा नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से ही बताइए, किया बस को रही है, साफ काटे बात काटे तब उबर याद हो गया। बाढ़ से बचे और आंधी से भी, आंधी तूफान हर संकट से बच के भाई मेरा। पूजा में क्या होता है कि पान होता है, फ्लावर्स होते हैं, कुछ सोना या चांदी होती है, उसका सिक्का डाल दिया जाता है, और सिंदूर होता है, सुपारी होती है, ये सारी शुभ चीजें होती है, शुभता का प्रतीक है सारा। बिहार में ये चीजें बहुत ही ज्यादा चलती हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशन अलग है बिहारियों का ना, बहुत बाकी इंडियन से। यहाँ देखिए कितना ही सुंदर आईपन किया हुआ है। मुन्नू ने किया है या दीदी ने किया है? आप ही बताओ किसने किया है। आपने किया है मुन्नू का, ये तीन हाथ वाला, तीन फिंगर उंगली वाला ऐसे करके, बहुत ही सुंदर। हां, आपको यानी केशव जाने दो बार, तो आरती तो राखी वाले से उसकी बात तो दूसरी आरती गाती है। आरती भाई राजा, डांटती हूँ मैं केशव, डांटती हूँ बता। कार्तिक बाबू का नंबर। 7 बजे से ही दोनों तैयार बैठे हैं। आज मेरी थर्सडे की कथा थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा देर हो जाता हूँ, और बच गए हैं हमें करीब 9 के आस पास। मैंने क्या किया था, टीका लगा दिया था, चांदन भी दिया था, याद है? पिछली बार लंबा टीका लगा दिया। हम्म।
फिर पिठार लग रहा है चावल, जो कि खुद में ही शुभता का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, चावल को पीस के लगाया जाता है, और सिंदूर और ये पान के पत्ते, कुछ पिठार और चांदी का सिक्का, सब करते ना रखा। और तीन तीन बार होता है भाई, ऐसे करते नहीं है, ऐसे उसमें किसी ने कमेंट किया है कि आंटी क्या बोलते हैं, बोलो तो हम कैसे बता दें, ब्लॉग्स तो ऐसे अभी आ रहे हैं ना, ये वाली बात हो जाती है। आंधी तूफान सब बीच का आ गया और आंधी तूफान में बाहर ही नहीं गया भाई है ना, कार्तिक की मुझसे जल्दी जल्दी शायद भाई को इसमें कहा गया है कि भाई लोग जो कमाने जाते हैं बाहर देश विदेश हर चीज में वो रहे सुरक्षित रहे, है ना, बाहर ही जाते हो कभी ऑफिस आते टाइम बंधन ऐसा है। हेलो हर बार फ्रेश का मिलता है या तो दिवाली में मिलता है या फिर यहाँ ही मिलता है, ये सही कह रहे हैं, खोल के भी अच्छा है क्या इसमें, ये तो देखें, अरे वाह, नींबू मसाला लाहौरी जीरा था ना, हाँ लास्ट टाइम बढ़िया ही है, लास्ट टाइम एप्पी था, एप्पी था मुझे याद है, एप्पी पिस्ता बड़ा बड़ा तो ट्राई, केशव आपको भी देना है लल्ला, खोल के दिखाएं, मुझे पता है सूट होगा तो सही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और मामा जी गए थे कल्याण, यस यस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पनीर से निकाल के देखो एक बार कैसा लगा, है ना, एकदम रेड कलर देखते ही मैंने कहा बहन मत तो यही लेंगे, अब बिना गले वाला था तो मुन्नु को पसंद भी आएगा, और चुन्नी इसकी बहुत हैवी है, सेम सूट का पैटर्न मैंने दीदी को दिया हुआ है उसने, है दीदी सेम सूट का पैटर्न है, अच्छा सही है, दुपट्टे का जो है बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी से आप सिलवा के देंगी, मम्मी की ड्यूटी ये है बहुत ही ज्यादा प्रीति है, और ये पहन के मैं दिखाऊंगी कब, रक्षाबंधन पे अपने बर्थडे टाइम में कुछ, अरे मम्मी एनिवर्सरी बहुत सारे ओकेशंस आने वाले हैं, कभी भी डाल देना, ठीक मम्मी, थैंक यू, चंगू मंगू आ जाओ, आप बड़े हो गए, आप चंगू मंगू नहीं क्या कह रहे हो, मोटू पतलू बुलाओ, मोटू मोटू ही बुलाएंगे, मोटू मोटू बुलाओ, मोटू मोटू नहीं बेटा, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, सूखे से बच्चे अच्छे नहीं लगते, हाँ मेरी पुरानी फोटो देखेंगे तो डर जाएंगे, हाँ एकदम सुखड़ू है ये, सुखड़ू बीच बीच में मिक्स भी लेते रहना, हाँ पिक लेना इजी होता है, दे रखा होता है साइड में, बता यहाँ पे मामा जी और मम्मी भी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, और हम भी स्टार्ट हो गए, मामा जी का हाथ पूजा जाएगा, सुबह सुबह मैंने पूजा करके आया था तो तिलक वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन आज पिठार का तिलक लगता है, फोटो लेना लेना।
अच्छा लग रहा है गंगा नोते यमुना के होम नोते छी भाई के सांप काटे बाघ काटे आंधी आवे तूफान आवे ताहू से हमर भैया भाई उबरल जाए यानी कि सब संकट से बचल जाए आर घर वापस सुरक्षित लौट का आवे ना? एक भाई को छींकनी लग गई है, उसे सर्दी हो गई है, जो कि है ये। आरती हो गई है। खूब स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, खूब तरक्की करो, ऐसे हम लोग जिंदगी भर रहे। अभी तक कम से कम 15-17 साल से हम लोगों ने मिस नहीं किया है ना। एक दो बार गांव में थी तो नहीं हो पाया था। हाँ, फिर भी मैं रास्ते में चला ही जाता था। भगवान मेरी बहन का स्वास्थ्य भी अच्छा करे, है ना। यमुना भी आगे सब अच्छा। अब तो खा लो, ये खा लो, इसमें कुछ नहीं मिला हो जाता है। एक और ले, ये खा के पानी तो पिएगा। अन्नु के यहाँ भी जाना है ना। अब आ गई है चाचू की बारी। आ गई है चाचू की बारी अब। गौरव नहीं है इस बार, नहीं गौरव ही रहता है हर बार। गौरव नहीं, मैंने दिवाली पे बहुत मिस किया। गौरव को दिवाली पे हम लोग हर चीज में मिस कर लेते हैं, इसमें ना क्या करें, उसकी भी जॉब है। नहीं नहीं, जॉब तो बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा जीने के लिए बहुत जरूरी है। तरक्की करे, खुश रहे, अच्छा रहे, जहाँ रहे हेल्दी रहे। जहाँ भी भाई हो वहीं पे अच्छे से हेल्दी रहें, खूब तरक्की करें। और क्या चाहिए भैया, दूध तो इसीलिए होता ही है, बचपन से लोग मानते रहते हैं इस चीज़ को। नहीं छुट्टी नहीं हुए वो। येलो येलो होता था तो इस बार मैंने कुछ अलग सा लिया। तो ये गिफ्ट मैं लाया हूँ दीदी के लिए, दीदी के खुद से ही, खुद ने पसंद किया है दीदी ने, है ना। कैसा लगा था बहन? बहुत अच्छा लगा है ना। चलो गुड गुड, ऐसे ही सुंदर सुंदर बनी रहे मेरी बहन। सिलवा के अच्छे से पहन लेना, है ना। ये है भाई ने शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ रहो, सभी खुश रहो। और जी दो इधर क्या है, बोलो सेट से किस, क्या कह रहे हो, तेज तो नहीं हो गया ये दूसरा लिफाफा मिल ले। तो हम लोगों की पूजा यहाँ पे हो चुकी है समाप्त, यानी हमने टीका लगा लिया है। देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ टीका लगा के, एक फोटो भी ले लूँ। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं हम लोग टीका लगाने के बाद, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो दीदी ने जबरदस्ती किया है कि भाई आप लोग जब जा रहे हो ना तो कोल्ड कॉफी पी लो। मैंने कहा चलो ठीक है, नमक वाली कोई चीज नहीं खा रहे हैं, और 2 पीसेस मैंने ऑलरेडी खा लिए हैं, काजू कतली के, है ना। तो ये अभी कोल्ड कॉफी पी के और उसके बाद हम अन्नू के यहाँ निकलते हैं। कैसे लाती है दीदी कोल्ड कॉफी बना के, आपको बताता हूँ अभी के अभी। तो भाई लोगों बहुत देर जाम में फंसने के बाद मैं आ चुका हूँ अन्नू के घर। यहाँ पे ब्लॉगिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से ब्लॉगिंग हम एंड करते हैं, नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं।
आप लोगों ने भाई दूज कैसे मनाया अपनी अपनी बहनों के यहाँ जाके, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये भी जरूर बताइएगा। कोशिश की जाएगी कि आपकी सारी बातों पे हम ध्यान दें। बहुत दिनों से मैंने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए, आज जाके घर बैठ के करूंगा सारे रिप्लाईज, है ना। तो नेक्स्ट व्लॉग का स्टार्ट करते हैं यहीं से। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।